हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो के अंदर। तो आज हमारे साथ है VST की तरफ से आने वाला उनका एक पावर वीडर, जो कि VST FT80 डीजल के अंदर आने वाला है पावर वीडर। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इसी पावर वीडर को लेके। प्रीवियस हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, लेकिन अब आपको इसके अंदर जो है नया रिकॉयल देखने के लिए मिल जाता है। नई टेक्निक के अंदर आपको यहाँ पे इजी स्टार्ट रहने वाला है ये पावर वीडर। और आज की इस वीडियो में जानेंगे इसी वीडर को लेके, इसकी प्राइस, वारंटी, स्पेक्स को लेके, आपको इसके अंदर कितनी सब्सिडी मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो एंड तक जरूर देखिएगा कि आपके लिए भी सब्सिडी सेम रहने वाली है। तो जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ, लेकिन उससे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, चैनल के ऊपर पहली बार आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों जल्दी से शुरू कर लेते हैं। फ्रंट प्रोफाइल देख लीजिए, कुछ इस तरह से ये वीडर आपको अवेलेबल हो जाता है। अब आपको यहाँ पे देख लीजिए, रोप वगैरह नहीं मिलती, यहाँ पे आपको स्टैंड अवेलेबल हो जाता है। नीचे ड्यूअल आपको स्प्रिंग मिलेगी जो टेंशन अच्छा आपको प्रोवाइड करेगी। इसके साथ जो चेसी है दोस्तों इसकी, वो आपको हैवी क्वालिटी के अंदर मिल जाती है। यहाँ पे अब आपको रिकॉइल करने के लिए काफ़ी आसान होने वाला है। यहाँ पे एयर फिल्टर की बात करें दोस्तों, ऑयल बाथ के अंदर आपको यहाँ पे एयर फिल्टर मिल जाता है। VST की बैजिंग वगैरह आपको एयर फिल्टर के ऊपर भी अवेलेबल हो जाती है। डीजल के अंदर आपको ये वीडर देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे फ्यूल टैंक जो है आपको लगभग 3.5 से 4 लीटर का मिलने वाला है, डीजल टैंक आपको अवेलेबल होने वाला है। इसके बाद आगे यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट या साइलेंसर अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ इस डिज़ाइन के अंदर आपको साइलेंसर मिलने वाला है। इसके बाद इंजन की बात करिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इंजन डीजल के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको डी कंप्रेशन लीवर ज़रूरी है इंजन स्टार्ट करने के लिए। अब इंजन की बात करते हैं दोस्तों, तो इस वीडर के अंदर आपको मिल जाता है तो यहाँ पे 4-स्ट्रोक वर्टिकल सिंगल सिलेंडर इंजन आपको अवेलेबल हो जाता है इस वीडर के अंदर। वहीं पे एयर कूल्ड इंजन रहने वाला है। इसके साथ परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के देगा आपको ये किसी भी सॉइल कंडीशन के ऊपर। और माइलेज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो माइलेज है आपको लगभग 1.25 लीटर का माइलेज मिलेगा। एक घंटे के मुताबिक बात करें तो कुछ इस प्रकार माइलेज मिलेगा, डिपेंड करेगा आपकी सॉइल कंडीशन के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों आगे टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर अवेलेबल हो जाते हैं। और टायर साइज़ की बात करें तो 8 इंच के आपको टायर अवेलेबल होने वाले हैं। आप आसानी से रिमूव करके यहाँ पे आप जो है आपकी एक्सेसरीज लगा सकते हैं, यानी जो रोटावेटर हो गए उन्हें आप लगा सकते हैं। इसके साथ जो रेनी सीजन के अंदर जो व्हील्स लगते हैं उन्हें आप आसानी से लगा सकते हैं। जो भी अटैचमेंट है दोस्तों एक सिंगल क्वार्टर पेन के ऊपर रहने वाली है, तो काफ़ी आसानी से अटैच और डिटैच करना। तो अब दोस्तों चलते हैं इसके कंट्रोल्स के ऊपर और आपको कंट्रोल्स दिखा देता हूँ कैसा है। कुछ इस प्रकार आपको इसकी रेयर प्रोफाइल अवेलेबल हो जाती है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो हैंडल बार है वो एडजस्टेबल है, मतलब आपके साइज के अकॉर्डिंग, आपके पोस्चर के अकॉर्डिंग आप इसे आराम से एडजस्ट कर पाएंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे तो PTO आपको अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे आप मल्टीपल अटैचमेंट कर पाएंगे। इसके साथ ये है इसका लेवलर, तो जब भी आप टिलिंग वगैरह करेंगे दोस्तों तो आपको इसे ही लेवल करके जो आपकी डेप्थ वगैरह है उसे सेट करना है, तो उसके मुताबिक आपका वीडर यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाल के देगा। दोस्तों इन वीडर्स को चलाना काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू पावर टिलर वगैरह। आप इसे आराम से चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख लीजिए इस तरह से आपको पहले तो एक्सेलेटर टोटल मिल जाता है, अपोजिट है आपके टिलर्स वगैरह को लेके। और ये क्लच जो है दोस्तों ये आपको रिवर्स के लिए मिल जाता है, यानी आपके पावर टिलर का जैसा नहीं है, साइड क्लच नहीं है आपको यहाँ पे फॉरवर्ड के लिए, और उस वाला आपको रिवर्स के लिए मिल जाता है। और ये आपको स्टॉप मिल जाता है इमरजेंसी ब्रेक के जैसा, आपको यहाँ पे जो रेड कलर के अंदर मिल रहा है ये ब्रेक है। इसके बाद गियर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 2 गियर फॉरवर्ड के लिए और 1 रिवर्स, ऐसे आपको 3 स्पीड अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ इस तरह से आप देख लीजिए, न्यूट्रल और फिर आगे सेकंड गियर और पीछे फिर फर्स्ट गियर, इस तरह से आपको गियर कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो जाता है इस वीडर के अंदर। दूसरे जो वीडर्स होते हैं इनके अंदर आपको बता दूं कि वर्क कैसे करते हैं। तो ये देखिए, अगर आपने गियर इंगेज भी करके रखा है, यानी आपका वीडर फर्स्ट पे, तो भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप एक तो फॉरवर्ड का क्लच नहीं दबा के रखते या फिर रिवर्स का। तो कुछ इस तरह से वर्किंग रहती है इसकी, डिटेल में आगे डेमो दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये है इसका हैंडल बार दोस्तों। पहले क्या होता था, रोप आया करती थी, उसे आपको खींचना पड़ता था, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता था खींचना। लेकिन अब देखिए कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे लगा देना है इसे, और फिर देख लीजिए अब आगे डेमो दिया है किस इसका कैसे आपको यहाँ पे इसे चालू करना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्सेलरेटर टोटल है उसे हल्का सा रेस करेंगे। यहाँ पे हमने सेट कर दिया, गियर पोजीशनिंग आपको देखनी है न्यूट्रल है कि नहीं, न्यूट्रल रखनी है। और यहाँ पे ब्रेक आपको इमरजेंसी ब्रेक है, इसे आपको दबा के रखना है, लॉक कर देना है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको स्टार्टर मिल जाता है, स्टार्टर की, और फिर यहाँ पे आपको इसे लगा देना है।
और जैसे आप बोल्ट वगैरह टाइट करते हैं उस तरह से आपको टाइट करना है, इजी टू हैंडल है दोस्तों, कोई भी हेवी टास्क नहीं है, लेडीज़ वगैरह भी आराम से इसे स्टार्ट भी कर सकती है और ऑपरेट भी कर सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फुल इसे घुमा दिया और फिर आपको जो स्पैनर है इसे यहाँ से निकाल देना और आपका जो वीडियो स्टार्ट हो चुका है। अब इसका डेमो देख लेते हैं दोस्तों, जो फीलिंग डेप्थ वगैरह वो आप देख लीजिए और फिर आखिर में बात करेंगे इसके प्राइसिंग, सब्सिडी और वारंटी वगैरह को लेके। तो कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस निकाल के देता है ये वीडर आपको, सॉइल कंडीशन आप देख लीजिए। डेमो आपने दोस्तों देख लिया, अब बात करता हूँ आपको इसके सर्विस को लेके। अगर आप दोस्तों कोई भी वीडर वगैरह आते हैं वो ऑनलाइन देख के वगैरह परचेस करते हैं तो उसके ऊपर आपको सर्विस नहीं मिलती, लेकिन ये जो VST का वीडर है, आप कोई भी VST का वीडर लीजिए डीलर के द्वारा, तो उसके ऊपर आपको सर्विस अवेलेबल हो जाती है। 1 साल की आपको सर्विस अवेलेबल मिल जाती है, 1 साल की वारंटी मिल जाती है। अगर परचेस करना चाहते तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है उससे आप सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आप अटैचमेंट्स देख रही है आपको परचेस करने पड़ते हैं अलग से, आपको वेडर के साथ देखने के लिए नहीं मिलते। वेडर के साथ आपको खाली जो रोटावेटर है वो आपको अवेलेबल हो जाता है और टायर कुछ इस तरह से आपको अवेलेबल हो जाते हैं इस वेडर के साथ। अब वारंटी की बात करें तो 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और सर्विस मिलेगी आपको VST के द्वारा। इसके साथ प्राइसिंग की बात करें दोस्तों तो 95,000 रुपये आपको इसकी कीमत देखने के लिए मिल जाती है महाराष्ट्र रायगढ़ के अंदर, और फिर इसके ऊपर 50% की सब्सिडी लग गई GST को निकाल के, तो लगभग आपको 40,000 से 45,000 की सब्सिडी मिलेगी। यानी काफ़ी सस्ता आपको ये वीडर मिलने वाला है दोस्तों, और एक्सेसरीज वगैरह और अटैचमेंट वगैरह परचेस करके आप इसके साथ बहुत सारे जो है आपके खेती के काम कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे डिटेल में बात की, डेमो दिया आपको इस वीडर के बारे में। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। VST के और भी दोस्तों वीडर्स के रिव्यू हमने ऑलरेडी चैनल के ऊपर कर दिए हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उन्हें जाके आप देख सकते हैं। उसी के साथ टीलर जो है VST के 130 से लेके 165 अल्ट्रा तक के सारे रिव्यू हमने ऑलरेडी किए हुए, तो उन्हें भी जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। आपको अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी हमारे चैनल के होम पेज के ऊपर, तो उसे जाके आप ज़रूर देखिएगा और डिसाइड कीजिए आपको कौन सा पावर वीडर या फिर टिलर लेना है। तो आज की वीडियो इतना है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको और एक नई वीडियो के साथ।